इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेगा तो बाज लाइफस्टाइल के नाम से। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज ना अम्मी ने नाश्ते में पराठे बना लिए थे और साथ में ये है दाल। ना ये ले लिया है हमने ऑयल, अभी हम अपने सर पे लगाने वाले हैं ऑयल, और ऑयल लगाएंगे फिर उसके बाद हम फ्रेश होंगे। तो ये लगा लेते, सरसों का ऑयल है, सरसों का बहुत अच्छा होता है। तो ऑयल वगैरह जो है वो लगा लिया है सर में, अब 1 घंटे के बाद हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। और अम्मी है ना खट्टे वाले दही बड़े जो होते हैं बहुत मज़े के बनाती हैं, तो बस उसके लिए अम्मी फुलकियाँ बना रही थी और साथ में ये इसका दही भी अम्मी ने फेंट के तैयार कर लिया था। इसमें बस किसी लाल मिर्च वगैरह मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं और ये फुलकियाँ रेडी कर ली। इसके बाद अभी अम्मी ना अब इसका भगार रेडी कर रही हैं। भगार में ज़ीरा और ये जो लाल मिर्च होती है ना गोल वाली साबुत लाल मिर्च ये वाली, इसमें डालते हैं भगार में और इसका भगार लगा देते हैं। बहुत ही खट्टे मज़ेदार से दही बड़े बनते हैं। कड़ी पत्ता भी इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। तो बस अम्मी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। थोड़ी थोड़ी जो क्लिप्स मैंने अम्मी घर की बनाई हुई थी ना छोटी छोटी, मैंने चलो मैं सारी आज ना इसी में इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं भगार बन गया, अम्मी ने बना ली, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छे बने हैं, टेस्टी ना। तो काफ़ी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को अपनी अम्मी के हाथ का कौन सा ऐसा खाना है जो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो एक ये खट्टे वाले दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है और एक सबसे ज़्यादा बिरयानी पुलाव। और ये अम्मी ने कल बनाया था, ये भिंडी बनाई थी अम्मी ने मसाले वाली, बहुत ही मज़े की थी, अचारी भिंडी जो कि बहुत मज़े की बनाई थी। फिर हम लोगों ने कल रात में ना ये जिंगर मंगवाया था, मैंने कहा चलो ये वाली वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, छोटी छोटी क्लिप सारी। और ना फिर ना परसों की वीडियो है आई थिंक, तो परसों मैंने ना ये पराठा बनवा लिया था अम्मी से और साथ में आलू पालक था। और ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है, तो फ्राइडे को ना हमने हलीम और बेसन की रोटी खाई थी और यहाँ पे एक दिन मैक्रोनी भी बनाई थी अम्मी ने। तो मैंने बोला चलो सारी वीडियोस ना मैं साथ में आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। और बस ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए मुझे लेने के लिए घर पर जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है अब घर पर जाना है। और उससे पहले बस अम्मी ना खाना वगैरह लगा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो जब तक वीडियोस वगैरह कुछ बना लेते हैं। हूरिया के साथ वीडियोस वगैरह बना रहे थे हम दोनों और पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था ना हूरिया के साथ। और मैंने अभी आईब्रोज़ भी बनवानी थी ना, तो मैं आईब्रोज़ भी बनवा कर आ गई अपने हस्बैंड के साथ। मैंने उनसे बोल दिया था कि आप आ जाए ना तो मुझे बता दिएगा, तो मैं आपके साथ आईब्रो भी बनवाने चलना है मुझे। तो बस आईब्रो बनवा ली और यहाँ पर मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है आज अम्मी ने, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े की। अम्मी बिरयानी वैसे ही बहुत अच्छी बनाती है, मुझे बहुत पसंद है अम्मी के हाथ की बिरयानी। तो बस ये बिरयानी वगैरह अम्मी लेकर आ गई और अब हम लोगों ने खा लिए बिरयानी। बस अब यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे ये लोग, मैं तो पीती ही नहीं हूँ चाय, तो बस भाई वगैरह और ये मेरे हस्बैंड जो हैं चाय पियेंगे, फिर हम लोग बस घर पर जाएँगे। यही कुछ यादें थी अम्मी घर की जो कि अब घर पर जाकर ना मुझे बहुत ज़्यादा याद आने वाली है सबकी। तो जी मैं कल रात में ना घर पे आ गई थी और अभी सुबह हो गई है, अभी परसों के उठा थोड़ी देर पहले और बेडशीट वगैरह चेंज करी है मैंने। तो फिर इससे आएगा ब्लॉग आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं हमारे यहाँ शादियाँ शुरू हो रही हैं ससुराल में, तो आज हमें जाना है एक मेहंदी में, तो बस वहाँ का थोड़ा बहुत ब्लॉग करूँगी। हो सकता है कि मेकअप ट्यूटोरियल ही आ जाए, काफ़ी दिनों से नहीं आया मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह। तो बस यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दोनों देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।